हेलो स्टूडेंट्स, हम करते हैं कॉरपोरेट अकाउंटिंग को कंटिन्यू। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ, जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो आइए आज के चैप्टर के अंदर हम समझते हैं कि इशू ऑफ डिबेंचर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, और इशू ऑफ डिबेंचर और शेयर्स को तो जो इशू करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, बैलेंस शीट में इसको कहाँ शो करते हैं, वगैरह वगैरह। तो चलिए कॉन्सेप्चुअली पूरा पढ़ते हैं आज के इस लेक्चर को। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। ये डेफिनेशन है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो सेक्शन नंबर 2 है और क्लोज नंबर या सब सेक्शन नंबर जो 30 है, वो डिबेंचर की डेफिनेशन हमें देता है। हम इसको अच्छे से समझेंगे, नॉर्मल लैंग्वेज में भी समझेंगे भाई ये क्या होता है, बट एक बार टेक्निकली देखें कि भाई एक्ट के अंदर इसकी क्या डेफिनेशन दे रखी है। तो इन्होंने बोला है डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड्स एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेप्ट। देखो तो यहां पढ़ने से ये समझ में आ गया कि भाई डिबेंचर का मतलब पता है क्या होता है। अगर आपको क्वेश्चन में डिबेंचर स्टॉक लिखा हुआ है तो मतलब वही डिबेंचर स्टॉक भी क्या है, डिबेंचर ही है। अगर बॉन्ड लिखा हुआ है तो बॉन्ड्स भी क्या हो गए आपके, डिबेंचर ही हो गए, या कोई अदर इंस्ट्रूमेंट जो यह साबित कर दे कि वह क्या है, एक डेप्ट है। अब यहां पर डेप्ट का मतलब डेटर से नहीं है, यहां पर डेप्ट का मतलब है उधारी से, लोन से। उधारी डेप्ट का मतलब यहां पर लोन से है, एक तरीके से आप समझ लो लोन डेप्ट। ओके, सो जो लोन है इसका मतलब डिबेंचर जो है वो एक किसी भी कंपनी के लिए लोन है। अब देखो, वैसे तो आप मुझे पता है कॉरपोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, बीकॉम के अंदर है, तो आपको नॉलेज होगा। फिर भी मैं मेरी तसल्ली के लिए थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूं कि अगर किसी कंपनी को फंड की जरूरत है तो एक तो तरीका है कि वो शेयर इशू कर दे और उसके जनरेट फंड, उसके जरिए जो है फंड को रेज कर दे, और ये हमने करा भी है इस यूट्यूब चैनल पे, इशू ऑफ शेयर करके फिर उसका रिडम्पशन करके बायबैक करके हमने देखा था शेयर्स के मामले। दूसरा तरीका है कि कंपनी लोन ले ले, कंपनी क्या ले ले, लोन ले ले। अब लोन लेने के भी दो तरीके हैं, बिल्कुल लोन लेने के दो तरीके क्या है, एक तो कंपनी लोन ले ले बैंकों से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अब आप बीकॉम में हैं तो आपको उस लेवल की चीजें मैं बताऊंगा। तो अगर आप बैंक से या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, बैंकें तो बहुत हैं, SDFC, ICICI, SBI वगैरह वगैरह, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो जैसे बजाज फाइनेंस, वो केवल लोन देने का काम करते। एक तो है तरीका कि यहां से कंपनी क्या ले ले, लोन ले ले, ठीक है, कंपनी को पैसा चाहिए ना, तो यहां से उधारी ले ले, लोन ले ले। बट यहां पर जब लोन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट होती है जो कंपनी को पे करनी पड़ती है, वो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होती है। किसके कंपैरिजन हाई होती है, तो वो इंटरेस्ट रेट कंपैरिजन होती है हाई अगर कंपनी किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ना लेके वो लोन के लिए क्या करता है, पब्लिक के पास जाए। पब्लिक में भी किसी एक के पास नहीं, बहुत सारे लोगों के पास में, और इनको, इनसे अगर कंपनी क्या ले ले, लोन ले ले, और इसके बदले में इनको एक डॉक्यूमेंट दे दे जिसका नाम होता है डिबेंचर, स्टॉक्स या बॉन्ड। तो यहां पर जो कंपनी ने लोन लिया है इसके ऊपर जो इंटरेस्ट की रेट होती है वो कंपैरिजन टू बैंकों से जो लोन लेते हैं उनके कंपैरिजन लो होती है। तो एक तो ये फायदा हो गया। इसके अलावा इस डिबेंचर इशू करके जो लोन लिया जाता है इसका बर्डन किसी इंडिविजुअल पे नहीं पड़ता है। कैसे, जैसे हम शेयर इशू करते हैं तो क्या किसी एक पर्सन से ही हम सारे के सारे शेयर दे के पैसा लेते हैं क्या, नहीं, पब्लिक बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं फिर उनको शेयर्स मिलते हैं। तो सेम केस यहां पर डिबेंचर में भी होने वाला है। डिबेंचर के केस में भी यही होने वाला है कि डिबेंचर जो होते हैं उनके, उनको भी इशू किया जाता है। तो डिबेंचर नाम के छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको, जिनकी प्राइस मान लेते हैं 100 रुपीज है, मान लेते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल के लिए, तो एक डिबेंचर 100 रुपीज का है, हमारे पास में टोटल है 10,000 डिबेंचर, और एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपीज का है। तो ये देखो अच्छा खासा पैसा जो है यहाँ पर हो
हो जाता है, लगभग ये 10 लाख रुपीज हो गए आपके। तो 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, लेकिन अगर मैंने एक डिबेंचर बाय किया है तो मुझे तो 100 रुपए देने पड़े, और मैंने दो डिबेंचर बाय किए तो 200 रुपए, 1000 डिबेंचर बाय किए तो मल्टीप्लाई करके देख लो, ओके। और इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लो होती, तो इंटरेस्ट को बचाने के लिए कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू कर देती है पब्लिक में भी, बट है यह लोन ही। इसीलिए अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करो, अब आप थोड़ा समझदार हैं, बीकॉम पढ़ रहे हैं, कॉरपोरेट अकाउंट पढ़ रहे हैं आप, तो अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पर बात करूँ, अगर मैं बात करूँ या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अगर मैं स्पेशली बात करूँ बैलेंस शीट की, ठीक है, स्पेशली बात कर रहा हूँ मैं बैलेंस शीट की, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, हाँ, बैलेंस शीट। तो इस तरीके से बनती है बैलेंस शीट, है ना, कंपनी की बैलेंस शीट तो ऐसे ही बनती है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ एक और कॉलम आता है नोट नंबर का, यहाँ करंट ईयर का डेटा, ये प्रीवियस ईयर का डेटा। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपको पता है ना क्या आता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। बैलेंस शीट तो आप जानती है ना बनानी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, बैलेंस शीट नहीं आती तो फिर क्या मतलब। और उसके अंदर फिर बहुत सारे हेड आते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट हेड होता है शेयर होल्डर फंड, ठीक है। उसके अंदर फिर आपका आ जाता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, अब वहां पर मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, ओके। और एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नाम का एक आ जाता है यहाँ पर, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये सेकंड नंबर आ जाता है, ठीक है। और फिर सी नंबर मान लेते हैं आपका नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। और डी नंबर आ जाता है आपका करंट लाइबिलिटी, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ देखिए, जो हम शेयर इशू करते हैं और उसके बदले में जो हमें पैसा मिलता है, जिसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं, वो तो हम यहाँ लिखते हैं शेयर कैपिटल के अंदर, यानी कि वो शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है। लेकिन जो हम डिबेंचर इशू करते हैं ना, हाँ, उसको हम यहाँ लिखते हैं, इसके अंदर एक हेड आता है जिसका नाम होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या नाम होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर हम क्या लिखते हैं? डिबेंचर जो इशू किए हैं उसका अमाउंट लिखते हैं, डिबेंचर जो इशू किए उसका अमाउंट लिखते हैं। और शेयर कैपिटल में हम क्या लिखते हैं? शेयर जो इशू करके कैपिटल आई है उसका, यानी कि डिबेंचर इशू करने के बदले जो हमें चीज़ मिलती है उसको हम लोन बोलते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं, ना कि कैपिटल की तरह। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और समझिए, और वो चीज़ ये है कि ये जो है ये शेयर होल्डर फंड और एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ए और बी, ये इंटरनल लाइबिलिटी होती है, क्योंकि शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के ऑनर होते हैं, तो उनसे अगर हम कुछ ले रहे हैं तो इंटरनल लाइबिलिटी होती है। लेकिन नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी जो होती है ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। आपने रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ा होगा 11th या 12th क्लास के अंदर खास करके, तो इतना फर्क है। एक इंटरनल लाइबिलिटी है, यानी कि ऑनर से पैसा लिया है, जो हमारा कंपनी का ऑनर है वो शेयर होल्डर होते हैं, और जो ये नॉन करंट और करंट लाइबिलिटी एक्सटर्नल लाइबिलिटी, बाहरी उधार है। तो बहुत बड़ा फर्क आ जाता है यहाँ पर शेयर्स में और डिबेंचर के ऊपर, ओके। इसके अलावा सिंपल सा, अब हम शेयर्स और डिबेंचर के बारे में थोड़ी सी बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा बात और कर लेते हैं, फिर हम इसके टाइप से भी चल जाएंगे। वो ये है कि अगर कोई कंपनी जो है वो पब्लिक में शेयर इशू करती है, ठीक है, मान लेते हैं ये पब्लिक है, वहाँ पर शेयर इशू कर दिए और पैसा आ गया कंपनी के पास में, कैपिटल आ गई, तो बदले में कंपनी उस क्या देती है? डिविडेंड देती है। क्या देती है? डिविडेंड। लेकिन डिबेंचर के मामले में कंपनी अगर डिबेंचर इशू कर दी, पब्लिक में क्या इशू कर दिए? डिबेंचर इशू कर दिए, तो बदले में कंपनी को क्या देना पड़ता है? क्योंकि कंपनी के पास में लोन आया है, डेप्ट आया है, बॉन्ड, स्टॉक, डिबेंचर, लोन, डेप्ट वगैरह बोलते हैं, उसके ऊपर कंपनी को पे करना पड़ता है इंटरेस्ट। तो यहाँ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है या डिविडेंड पे करना पड़ता है। डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ, डिविडेंड इज द प्रॉफिट, ओके। डिविडेंड एक प्रॉफिट है और ओनर को प्रॉफिट मिलता है, और जो जिनसे लोन लिया उनको प्रॉफिट ना मिलके उनको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये होती है कि अगर कभी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो हो सकता है कंपनी डिविडेंड नहीं दे, कि भाई प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड नहीं देगी, तो शेयर होल्डर फिर भी मान जाएंगे भी प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो डिविडेंड कहाँ से मिलेगा। बट लोन के केस में, डिबेंचर के केस में, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो लॉस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हर ईयरली, मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली जो डिसाइड हुआ है उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, ओके। इसलिए मैंने बोला ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, ये इंटरनल लाइबिलिटी, इंटरनली उसको निपटा सकते हैं, इसको नहीं निपटा सकते, ओके।
आइए हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, एक सेकेंड। हाँ स्लाइड शो ले लो। हाँ अब आ जाते हैं हम डिबेंचर के टाइप्स पर, और उसके बाद हम आ जाएंगे डिफरेंस शेयर्स में और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस है। वैसे काफ़ी सारे डिफरेंस तो आपको ऐसे ही पता चल गए होंगे। अगर टाइप्स की बात करें डिबेंचर की, तो डिबेंचर बहुत टाइप के होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आते हैं सिक्योरिटी के बेसिस पे। सिक्योरिटी के बेसिस पे दो तरह के डिबेंचर होते हैं, एक सिक्योर एक अनसिक्योर। ठीक है, मैं शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट नंबर आता है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज के बेसिस पे बात करें तो दो तरीके के डिबेंचर होते हैं, एक होते हैं सिक्योर सिक्योर डिबेंचर, ठीक है, और एक होते हैं अनसिक्योर डिबेंचर। ठीक है, सिक्योर डिबेंचर जो होते हैं ना, वो होते हैं कि भाई हमने डिबेंचर पब्लिक में, सॉरी, डिबेंचर पब्लिक में इशू कर दिए, लेकिन पब्लिक के नाम पे कोई एसेट भी हमने कर दी, कि बाय चांस अगर कंपनी उनको वापस उनका लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाई तो वो एसेट बेच के कर देंगे। अनसिक्योर जो होते हैं उसमें जो भी डिबेंचर होल्डर है, जो डिबेंचर को होल्ड करने वाला है, उसके नाम पे हमने कोई एसेट नहीं रखी है। ओके ठीक। नेक्स्ट आता है अपना सेकेंड, सिक्योर और अनसिक्योर के बाद में टेन्योर के बेसिस पे आते हैं रिडीमेबल और इरिडीमेबल डिबेंचर। बेसिस फॉर टेन्योर या टाइम पीरियड, इसमें आते हैं रिडीमेबल और इरिडीमेबल। एक आता है रिडीमेबल डिबेंचर, और एक होते हैं इरिडीमेबल। रिडीमेबल डिबेंचर वो होते हैं जिनका रिडम्सन होना है, मतलब लोन का रीपेमेंट। रिडम्सन का मतलब यहाँ पर रीपेमेंट से है, ठीक है, रीपेमेंट। तो रीपेमेंट कब होना है वो पहले से डिसाइड होना है, कि अभी हम डिबेंचर इशू करके आप लोगों से पैसा ले रहे हैं जिसको हम लोन बोलते हैं, और 10 साल बाद में हम आपको 10 साल तक तो इंटरेस्ट देंगे, ब्याज देंगे, लेकिन जैसे ही 10 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे हम आपको आपका लोन वापस दे देंगे और आपसे डिबेंचर वापस ले लेंगे, रीपेमेंट हो जाएगा, तो उसको रिडीमेबल डिबेंचर बोलते हैं। और रिडीमेबल डिबेंचर का रिडम्सन होता है, रीपेमेंट होता है। इरिडीमेबल डिबेंचर जो होते हैं इनका रिडम्सन नहीं होता, कब होगा पता नहीं, जब कंपनी एंड होगी तब हो सकता है हो जाए। वैसे कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं इस बारे में, ओके, लेकिन हम नॉर्मली यहाँ पर टाइप्स पढ़ रहे हैं तो मैं आपको मोटा मोटी यही बता रहा हूँ। फिर आते हैं एक रजिस्टर्ड और एक बियरर डिबेंचर, दो तरह के होते हैं, रिकॉर्ड के बेसिस पे आप समझ सकते हैं, रजिस्टर्ड और बियरर। यहाँ एक सेकेंड, आ जा पेन आ जा। हाँ बेसिस पे बात करें अगर, किस पे, रिकॉर्ड के बेसिस पर, एक रजिस्टर्ड होते हैं एक बियरर होते हैं। रजिस्टर्ड जो डिबेंचर होते हैं ना, उन डिबेंचर होल्डर जो होते हैं उनका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिख दिया जाता है, और बियरर जो होते हैं उनका नाम कंपनी के रजिस्टर में नहीं लिखा होता है, वो आगे से आगे सेल होते रहते हैं। और बाद में बियरर जो डिबेंचर होते हैं वो जिसके पास डिबेंचर होगा उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा इसके डीप में आपको नहीं जाना है, थ्योरी वैसे भी आपको पता ही, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन के बेसिस पर, कन्वर्जन या कन्वर्टेबिलिटी, ठीक है। तो कन्वर्जन के बेसिस पे बोले तो दो तरह के डिबेंचर होते हैं, एक कन्वर्टिबल और एक नॉन कन्वर्टिबल, ठीक है। और एक होते हैं नॉन कन्वर्टिबल। जो कन्वर्टिबल डिबेंचर होते हैं वो ऐसे डिबेंचर होते हैं जिनको जो है आगे जाके शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता हो, और इनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि जब भी रिडेम्पशन की डेट आएगी, रीपेमेंट की डेट आएगी, तब हो सकता है कंपनी क्या करे, पैसा ना देके जो डिबेंचर होल्डर है उनको बोले डिबेंचर लाओ नया शेयर ले जाओ, ठीक है, तो वो कन्वर्टिबल हो गए, उनका कन्वर्जन हो सकता है, और नॉन कन्वर्टिबल का कन्वर्जन नहीं हो सकता। फाइनली हम आ जाते हैं सिंपल से तरीके से देखते हुए कि भैया क्या डिफरेंस है शेयर्स में और डिबेंचर्स में, ठीक है। तो इधर हम ले लेते हैं शेयर्स, इधर ले लेते हैं हम डिबेंचर्स, और शेयर्स में मैं ले रहा हूँ इक्विटी शेयर, ठीक है, क्योंकि जो न्यू इंड एस आए हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आए हैं, IFRS के ऊपर बेस्ड हैं, उसके हिसाब से जो प्रिफ्रेंस शेयर्स है वो भी एक तरह का लोन ही है। तो मैं ओनली इक्विटी शेयर्स की यहां पर बात कर रहा हूं। तो सबसे फर्स्ट आता है स्टेटस, ये कौन होते हैं, ये शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर्स, और ये कौन होते हैं, ये डिबेंचर होल्डर होते हैं।
राइट्स, क्या क्या राइट्स हैं शेयर होल्डर जो है इनको राइट होता है मीटिंग में, जिनको हम एजीएम बोलते हैं, एजीएम में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये कंपनी के मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इनको वोटिंग का राइट होता है शेयर होल्डर्स को, और इनको वोटिंग का राइट नहीं होता। एक साथ ही राइट्स बता देता हूं मैं आप। ओके, अगर रिटर्न की बात करें कि इनको वापस क्या मिलता है, तो इनको डिविडेंड मिलता है। ओके, और वो डिविडेंड कितना मिलेगा वो फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड। तो यहां पर एक वर्ड मैं लिख सकता हूं, नॉट फिक्स्ड। डिविडेंड कितना मिलेगा वो फिक्स नहीं होता। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, वरना हो सकता है नहीं मिले। इनको बदले में इंटरेस्ट मिलता है, और इंटरेस्ट की रेट जो है वो फिक्स होती है, और इसीलिए वो डिबेंचर के आगे उसका परसेंटेज दिया होता है कि कितने परसेंट से इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो ये हो गया रिटर्न, भाई उनको रिटर्न क्या मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें तो और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे अगर बात करें, एक है जो शेयर्स होते हैं, ये आपने कर रखा है, मैंने पढ़ाया, शेयर्स को डिस्काउंट भी इशू नहीं कर सकते। हाँ, ये अच्छा डिफरेंस है, एक न्यू। अगर डिस्काउंट की बात करें, ओनली डिस्काउंट की, तो इनको डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू नहीं किया जा सकता, डिबेंचर को डिस्काउंट पे आप इशू कर पाएंगे। तो ये एक डिफरेंस ये हो गया। इसके अलावा भी और बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। जो शेयर्स होते हैं उनको आमतौर पर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता डिबेंचर के अंदर, लेकिन डिबेंचर को शेयर्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। जी हाँ, है ना, जो डिबेंचर है उसको आप शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन डिबेंचर को शेयर्स में, सॉरी एक सेकेंड, उल्टा बता दिया मैंने आपको, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ सॉरी, तो देखिए बेटा, जो शेयर्स होते हैं उन शेयर्स को आप डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी एक तरह का डिफरेंस है। तो ऐसे आप अगर इनकी डीपली स्टडी करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे। ओके, तो आई होप आपको इशू ऑफ डिबेंचर की थ्योरी समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे, जनरल एंट्री समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर बहुत मेहनत से बनाता हूँ मैं तो आपके लिए टाइम निकालता हूँ स्पेशली, तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सबसे बड़ा सपोर्ट अपना जारी रखें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।